हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जेई के फाइनल आंसर की के रिगार्डिंग, और मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ 16th of March इसी महीने के 2021 के, और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हो रही हैं अन अकेडमी पर। और किस किस टॉपिक पर ये बातें होंगी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि अभी फ्री बैचेस चल रहे हैं अन अकेडमी पर, नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं 10 मार्च से। और अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप फ्री क्लासेस देख सकते हो एसएससी प्रीवियस कोड यूज़ करके, और चाहो तो कोई मंथली पैकेज भी ले सकते हो। और ये आपका क्लासेस फ्री देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भी क्लासेस अभी 3 हुई थी रिगार्डिंग कट ऑफ के, और इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है चैनल उस पर अनअकैडमी वाले ऐप पर, तो वहाँ जा कर के देख लेना आप। राइट, देखो पहले हम बात कर लेते हैं कि जेई का जो आंसर की था वो आ चुका है फाइनल वाला रिज़ल्ट, तो आपका इसके पहले आ ही गया था 1 तारीख को, लेकिन अब रिवाइज आंसर मतलब करेक्ट करके आंसर की आपका आ गया है। और ये आप मैच करा लेना, अगर चैनल पे कोई है तो कमेंट करना कि कोई सीजीएल वाला भी है और जेई वाला भी अगर हो कोई ऐसा, या एमटीएस भी दिया हो, अदर एग्ज़ाम्स भी दिए हो तो भी कमेंट करना, थोड़ा आइडिया लगता है आपका, है ना। तो इस बारे में तो आप कमेंट करके बताओगे तो ही मालूम चलेगा। देखिए ये जो मैं सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ ये अनअकैडमी पर फ्री रखी जाएगी, और ये आपका एसएससी कोड प्रीवियस कोड यूज़ करके आप देख लेना। एंड देन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये पढ़ाई से तो अभी नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई का मैं भी स्टार्ट करूँगा, जैसे कि मैथमेटिक्स में हिंदी में शुरू करूँगा मैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से सिर्फ बिलोंग करते हैं। रीज़न है आपका कि इंग्लिश वाले तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैथ सिर्फ हिंदी में, पर्टिकुलर हिंदी में कम ही लोग हैं, तो मैं उसके लिए बात करूंगा। लेकिन अभी जो बात हो रही है ये जनरल टॉपिक, क्योंकि जनरल टॉपिक बहुत सारे मेरे पास आए हैं और इन चीज़ों का निवारण जल्दी कहीं है नहीं, और बहुत तरह के हैं, बहुत वैरायटी वैरायटी की दिक्कतें हैं, और ये आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रही है ना। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि डिप्रेशन तो कॉमन सी बात है आपका, उसके अलावा ना बहुत सारे लोग कई सालों से सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कई 7-8 साल, कोई 6 साल से भी दे रहा है, फिर भी कहीं एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं निकला है, कोई बैंक दे रहा है, कोई एसएससी दोनों दे रहा है, कंफ्यूज है कि बैंक दें एसएससी दें। राइट, कोई लोग सोच रहे हैं कि हमें कि मैं पढ़ाई रखूं कि आगे की जॉब कर लूं। कई लोग ऐसे हैं जो इतने सालों से अपने फैमिली पे बोझ बन चुके हैं, फिर अब वो सोच रहे हैं कि इससे कट के क्यों ना पैसे ही कमा लें। बहुत सारी गर्ल्स हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं जो बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं आपके, है ना। एक एक करके हम पॉइंट उठाएंगे, उस पर बातें करेंगे, है ना। तो इसके रिगार्डिंग क्या, किस क्लास में कौन से टॉपिक को हम पकड़ेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे हैं, ज़रूरी है, वरना आपके बीच बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती रहती हैं आपकी, है ना। और ये दिक्कतें ऐसी नहीं है बच्चे कि हम इसका निवारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जैसे आपको लगता है कि आपकी समस्या कुछ और है, किसी और को लगता है कोई और समस्या है, लेकिन जब आप लोगों के ना कंबाइंड, जैसे मैं बात करूँगा तो मैं 100 लोगों से कॉल किया, तो 100 लोगों का जब मैं प्रॉब्लम देखता हूँ ना, तो लगता है कि यार बाकी अदर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं ना लोगों के सामने, आप हैरान हो जाओगे सुन के आप, है ना। तो इसलिए हम बात करेंगे उस पर, और लाइव कमेंट होंगे तो लाइव कमेंट के जवाब भी दे पाना आसान रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा, करीब 8-10 हम पॉइंट पकड़ के बात करेंगे तो कवर हो जाएगा सारा। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 16th of March से, राइट। और अभी बीच में वीडियो आती रहेंगी जनरल टर्म वाली, लाइव यूट्यूब पर क्यों नहीं हो पा रहा है, लाइव यूट्यूब पर करने के लिए ना सेटअप चाहिए होता है, और वो सेटअप थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे पास अभी इतना कुछ है नहीं गैजेट वगैरह, इस वजह से अनअकैडमी का जो वो है आपका वो डैशबोर्ड वो काफ़ी सही होता है, इस वजह से हम कर पाना वहाँ ठीक होता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है आपके लिए, एसएससी प्रीवियस कोड यूज़ कर लीजिएगा आप, और कोई ज़रूरी नहीं है आपको पैकेज खरीदने की कोई ज़रूरत है इसे, राइट। बाकी किस किस टॉपिक पर और होना चाहिए आप कॉमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँ कि उसको भी कवर करा दूँ, है ना। और किसी भी तरह की दिक्कत मैं नहीं छोड़ूँ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम कोशिश करूँगा कि सब कवर कर लूँ, कोई छूट ना जाए आप। तो देखते हैं, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर कवर कराऊँगा भाई।